नानी जान, आज आपको इस गुनाह के बोझ से निजात तो मिल गई, सच सामने आ गया। तुम्हें ये बात मालूम थी? जी नानी जान, जब चाचा जान जरिया आपको कमरे में लेकर गए थे और सबको अंदर आने से मना कर दिया था, तभी उन्होंने मुझे और जरिया को सब सच सच बता दिया था, इसीलिए मैं दुल्हन बन गई थी और जरिया भाई निकाह के लिए मान गए थे ताकि हकीकत आपकी जबान पर आ जाए। दुआ करो मेरा बल्ला में मौत दे दे, हम बहुत से लोगों के गुनाहगार हैं, पता नहीं मेरी मगफिरत होगी कैसे। बस करे नानी जान, बस करे। ओहो, ओहो। क्या खिचड़ी पका रही, दोनों समझ ही नहीं आ रहा कहाँ चले गए। आराम से, आराम से, आराम से। झूठी पीर मुर्शिद आप? सफिया चांदी, तुम लोग बाज नहीं आए ना? छोटे पीरो मुर्शिद को खानदान से अलग कर दिया? खानदान से अलग नहीं, बल्कि अपने खानदान से मिलवा दिया है। आप, अब मैं आपसे कहती थी ना, जरिया आप मेरा बेटा, तो जरिया आप मेरा ही बेटा है, इसे मैंने पैदा किया है। पागल हो गई है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, दिमाग खराब है तेरा? ठीक कह रही हूँ आपा, जरिया मेरा बेटा है, जिसे फिरदौस आपा ने जरताज बेगम के हाथों बेच दिया था। मर गई। अरे छोटे पीरो मुर्शिद। नहीं, मैं कोई छोटे पीरो मुर्शिद नहीं हूँ, मेरा नाम सरयाब है और मैं इन्हीं का बेटा हूं। चलो सरयाब, अंदर चलकर आराम कर। हाँ चलो शाबाश, मैं जब तक तुम लोगों के लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। या अल्लाह, तेरे काम भी निराले,